हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मिस्टर मिस्टर शर्मा। तो कैसे हैं फ्रेंड्स, आई होप कि अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और अभी जो है मतलब मैं नहा वहा करके रेडी हो गई हूँ, और मैं नहा के रेडी हो गई हूँ मतलब क्या खाना वाना जो भी होता है सारा खा ली हूँ मैं। नाश्ता और मैं लंच एक साथ ही कर ली हूँ। तो अब जो है मैं बाबू को भी सुला दी हूँ। बाबू को सुला करके मैं सोची चलो अब मैं अपना ब्लॉग थोड़ा स्टार्ट कर लेती हूँ, क्योंकि बाबू जो है ना जैसे जैसे बड़ी हो रही है ना वैसे वैसे बहुत ही परेशानी और बदमाशी कर रही है, तो कुछ भी करने नहीं देती है। हमेशा आप लोग देखते ही हो, जब उसका मूड ठीक रहेगा तो अच्छे से रहेगी, जब मूड उसका बिगड़ेगा तो वो तो पानी मचाने लगती है। तो अभी ऐसा है ना, जस्ट मैं उसको सुला दी, और सुला करके जितने भी उसके नेल बड़े बड़े थे सारे मैं उसको कट कर दी हूँ, नेल कट करके। और मैं अपना भी ये देखो नेल साफ़ कर ली हूँ। और मैं इससे पहले मैरून कलर का नेल पेंट लगाई हुई थी, आज मैं जा रही हूँ ग्रीन कलर का नेल पेंट लगाने के लिए। तो मैं बाबू को सुला करके मैं सोचती चलो लगा ही लेती हूँ, क्योंकि वो लगाने नहीं देती है। इस वजह से मैं जब भी वो नील ही करती रहती है तो मैं ये नेल पेंट वगैरह कर लेती हूँ। सो चलिए, तो अब से मैं हमारा जो ब्लॉग है स्टार्ट हो चुका है, यूँ ही हमारे ब्लॉग पे बने रहिए। जो भी हमारे ब्लॉग पे नए हैं प्लीज़ हमारे चैनल को जा कर के सब्सक्राइब करें, उसके बाद हमारा चैनल जो है मतलब जो भी वीडियो है इंजॉय आप करें। सो गाइज, चलिए मैं यहाँ पे नेल पेंट ले ली हूँ। नेल पेंट में इतने सारे कलर है, इसमें से मैं डिसाइड करूँगी कौन सा लगाऊँगी। मैं ग्रीन वाला लगाने जा रही हूँ, क्योंकि सावन चल रहे हैं तो सावन में ग्रीन ग्रीन लगाना चाहिए। तो मैं अभी ग्रीन नेल पेंट लगा रही हूँ। सो गाइज, मैं यहाँ पे पैरों में अपने ग्रीन नेल पेंट लगा ली हूँ, और अपने हाथों में नेल पेंट लगा रही हूँ। मैं जो हूँ यहाँ पे मतलब फर्स्ट पोट जो हूँ मार ली हूँ, लगा ली हूँ, और ये दोबारा मैं दूसरा पोट मार रही हूँ, क्योंकि फर्स्ट लगाने से थोड़ा लाइट जो होते हैं वो नहीं देते हैं, इसलिए मैं फिर से एक बार लगा रही हूँ। तो काफ़ी अच्छा मतलब लगा, लगाने पे ग्रीन ग्रीन अच्छा लगता है, और ग्रीन साड़ी या फिर ग्रीन सूट पहन लो तो और भी खूबसूरत लगते हैं। तो बस यही है, मैं कैमरा मतलब करना भूल गई थी, तो मैं सोची चलो मैं दोबारा पोट जब लगाऊंगी तो आप लोग के साथ ऐड कर लेती हूँ। तो बस यही है, मैं दूसरा पोट जब मार रही हूँ तो मैं आप लोग के साथ शेयर कर ली। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा नेल पेंट कैसा लगा ग्रीन, हमें कमेंट करके बताना, और ये ब्लॉग हमारा अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करना। नेल पेंट लगा ली है ग्रीन ग्रीन, अपने पैरों में भी और हाथों में भी ग्रीन ग्रीन में लगा ली हूँ। सो अब मैं चलती हूँ, थोड़ी सी मतलब नीट लेती हूँ, क्योंकि बाबू सोई हुई है तो मैं भी थोड़ा सा आराम कर ही लेती हूँ, नहीं तो फिर पता चला जो जग गई तो एकदम दिमाग खाने लगती है। सो चलते हैं। हेलो सो गाइज, मैं आराम करके उठ गई हूँ, बाबू अभी तक सोई हुई है। तो मतलब नेहा बोली चलो दीदी मैं मेहंदी लगा देती हूँ उसको, मेहंदी का मतलब वीडियो वीडियो भी थोड़ा सा बनाना है, बनाती है वो, उसका भी चैनल है। तो बस वो बोली चलो दीदी मेहंदी लगा देती, तो मेहंदी लगाना तो मुझे बहुत ही पसंद है। तो हाथों में तो इस हाथों में तो मेरी मेहंदी लगी हुई है, और इस हाथों में जो कि मैं रात को आज लगवाऊँगी, तो बोली पैर में लगा देती हूँ। सो अब मैं जा रही हूँ मतलब अपने पाँव में मेहंदी लगवाने के लिए। सो चलिए देखते हैं, आप लोग को मैं बता दी जो, चलो मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को मैं पैर पे मेहंदी लगाती है मेरी बहन कैसे। सो चलिए देखते हैं, हम लोग मेहंदी लगा लेते हैं फिर। अभी बाबू सोई हुई है, अगर वो उठ जाएगी तब तो लगाने ही नहीं देगी, कहेगी मामा लाओ मैं मेहंदी लगा देती हूँ। इससे पहले वाले वीडियो में आप लोगों ने देखा कि मैं पूछा कह किस तरह से मतलब मेरे हाथों पे मेहंदी लगा रही है। सो अब मैं जा रही हूँ मेहंदी लगाने। तो यहाँ पे जो है मेरे पैरों में मेहंदी लग गई है, और ये नेहा लगाई है, तो कितना अच्छा लग रहा है देखिए पैरों में मेहंदी, काफ़ी अच्छा डिज़ाइन बना है। और मैं ग्रीन ग्रीन नेल पेंट भी लगाई थी तो और भी खूबसूरत लग रहा है।
हेलो गाइस, तो अभी जो है वो शाम के 6 बज रहे हैं, तो 7 बज रहे हैं और हम लोग जो है वो चाय वाय पी लिए हैं। चाय जो मम्मी आई थी उसी टाइम हम लोग बना करके पी लिए थे। तो अब अभी जो है वो खाने की तैयारी हो रही है। सुनिया किचन में जो है वो बना रही है, ये देखो अभी जो है वो नाइट ड्रेस पहन ली है नाइटी। बेटा आ इधर। सो इतनी बदमाशी करती है लड़की। अब मैं किचन से पकड़ के इसको लाई, मतलब वो बना रही है कुछ ऐसा डिश बना रही है, मुझे नहीं पता। और ये किचन में पीछे से जाकर के मतलब चाकू लेकर के मिर्ची काट रही थी। और देखो ये कैसे मुंह बनाई हुई है, कैसे है, करो नहीं करोगी? हाँ हेलो मम्मी। हाँ मम्मी। हाँ हाँ। So, अब चलते हैं किचन में, पूछते हैं नेहा से क्या बना रही है। नेहा मौसी से पूछते हैं, है ना? चलो पूछते हैं। सो नेहा मौसी अभी क्या बना रही है? तो यहाँ देखिए, यहाँ बन रही है चाउमीन। चाउमीन खाने में आज चाउमीन बनेगी, टंडना। तो हम लोग चाउमीन खाएंगे, चाउमीन बन रहा है ना? खाएंगे। तो मैं इसको लेकर के रूम में चली आई। इतनी परेशान करती है ये, कुछ करने देने वाली तो है नहीं। चलो जा मासी के पास, तू जा जा मासी के पास, जा छोटी मासी के पास चली जा। देखो कैसे कर रही, जा छोटी मासी के पास। इतनी बदमाशी करती है। तो अब हम लोग जा रहे हैं ये क्या कहते हैं किचन में, मतलब जा रहे हैं। नेहा बना रही है तो देखते हैं, फिर बाबू के लिए भी रोटी वोटी बनाना होगा। रोटी वोटी बना देंगे, जो दूध रोटी खाएगी ये। देखो ये क्या कर रही है, क्या कर रही है, देखो क्या कर रही है। मम्मा का नोज साफ कर रही हो, क्या है मतलब नोज पिन जो है ना उसको ठीक कर रही है। सो आप जा रहे हैं, मतलब एक जरा फोन, जब भी मैं फोन उठाती हूँ ना ये तंग तंग करने लगती है, इसलिए मैं फोन नहीं क्या गंदी बात। सो आज मैं अभी आ गई हूँ किचन में, मतलब बाबू को जो है वो छोटी पकड़ी हुई है, तो मैं चली सोची चलो मैं थोड़ा सा क्या हुआ दो। सो मैं आ गई हूँ किचन में, और क्या है अभी छोटी को जो है थोड़ा सा जुकाम हो गया है, बस मैं उसके लिए चाय बना रही हूँ। और मतलब अदरक वाला मसाले वाला चाय बना रही हूँ। और यहाँ पे चाउमीन बन रहा है, मैं आप लोगों को बताएंगी जो चाउमीन यहाँ पे नेहा बना रही है। तो चाउमीन का रेसिपी मैं आप लोगों के साथ इसलिए नहीं शेयर की हूँ क्योंकि जब मैं पिछले बार मायके में थी तो मैं आप लोगों के साथ चाउमीन वाला रेसिपी शेयर की थी, तो क्या एक ही चीज़ बार बार शेयर करना अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैं शेयर नहीं की। बस क्या बन रहा है ये बताई हूँ। सो यहाँ पे हमारा जो है अदरक वाला चाय जो है वो खौल रहा है अच्छे से। जब ये हमारा खौल जाएगा तो मैं इसको छान लूँगी, और ये पीने में काफ़ी अच्छा लगता है। इसमें क्या डाली हूँ पता है आप लोगों को? मैं इसमें डाली हूँ मतलब पानी है, और हल्का सा चाय पत्ती है, अदरक है, और लाल मिर्च, और जो काली मिर्च जो होती है, सॉरी काली मिर्च, वो काली मिर्च मैं डाली हूँ इसमें भूख के। और बस इसको मैं खौला ले रही हूँ, खौलाने के बाद मैं इसको छान लूँगी और ये पी लेगी, तो थोड़ा सा जो शरीर जो होता है वो गर्माहट आ जाता है, तो बस इसीलिए मैं बना दे रही हूँ। और यहाँ पे देखिए मैं इसको रख के आई मौसी के पास, और ये क्या शैतानी कर रही है, देखो ये सरसों तेल का डब्बा है जो कि मम्मी अपने लिए रखती है पेड़वा करके, और इसके लिए जो आएगी तो लगाएगी। तो ये सरसों तेल मैं इसको वहाँ रख के आई, और आप लोगों ने देखा कि मम्मी जो सरसों का तेल रखती है पेड़वा करके, मतलब सर में लगाने के लिए, और इसके लिए जब भी आएगी तो सरसों का तेल से मालिश करूंगी, तो ये सरसों का तेल का डब्बा ही लेकर के भाग गई थी। सो बेटा मत रो, चलो चलो बैठ पे, चलो आ रहे हैं। तो अब जो है यहाँ पे 2 कप चाय रेडी हो चुका है जो कि मैं पीऊंगी और छोटी। सो गाइस ये देखो हमारा चाउमीन बन के रेडी हो चुका है, और हम लोग चले इसको खाने। और ये जो मंचूरियन है ये मतलब मेरा भाई बाहर से लाया है, और ये रहा मतलब नेहा का प्लेट, ये मेरा प्लेट,
और मम्मी उधर खा रही है, भाई उधर खा रहा है और हम लोग चले खाने। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। सो अभी गुड मॉर्निंग मॉर्निंग हो चुकी है और देखिए यहाँ पे बाबू क्या कर रही है। मम्मी से मतलब मम्मी पूजा कर रही थी तो बस उससे टीका लगवा करके आ गई है और आप लोगों को दिखा रही है। हाँ दिख गया, दिख गया दिख गया। हाँ सो अभी हम लोग शो करके मतलब उठे हैं, चाय वाय पी ली है और मैं सोचती हूँ चलो वीडियो थोड़ा एडिट कर लेती हूँ। तो मैं देखिए अपने ब्लॉग का तो मैं एंड की कर ही नहीं पाई थी, कल इतनी शैतानी करती है ना जो मैं भूल ही जाती हूँ। तो बस वही सोची चलो मैं ब्लॉग का थोड़ा सा एंड कर लेती हूँ, उसके बाद मैं एडिटिंग वगैरह करके अपलोडिंग करूँगी। तो क्या साड़ी पहन रही है, देखो साड़ी पहनने मतलब मौसी इसको सिखा दी है साड़ी पहनना, तो अब ये साड़ी पहनने लगती है। सो गाइस कल का हमारा ब्लॉग मतलब आज का हमारा ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट करके बताना। अगर अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर करना और जो न्यू हो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना। तो चलिए इसी के साथ आज मैं अपने ब्लॉग का एंड करती हूँ, मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए ओके, बाय बाय।